अमित जी खरब सर से होगा किस कार्यक्रम के बारे में अभी तक क्या दे रहे हैं और पूरा अपना सबसे पहले आज संविधान संरक्षण समिति राजस्थान की प्रेस वार्ता में पधारे हुए पत्रकार महोदय और मीडिया न्यूज समाचार पत्र और राजस्थान संरक्षण समिति के समस्त पदाधिकारी को स्वागत धन्यवाद जवाहर करता हूँ। 26 तारीख को जो संविधान दिवस का जो कार्यक्रम है गांधीग्राम में उसके लिए जो जो हमारे वक्तागण यहाँ बता रहे उसके लिए जानकारी बताया जो आपके समक्ष रख दी उसमें जो मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर चर्चा करेंगे जो आपके सामने पेम्पलेट दिया उसमें भी दे रखा है कि संविधान लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने का सुनियोजित षड्यंत्र इसके ऊपर गंभीर चिंतन मनन होगा। संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू करने के लिए जनजाति आदिवासी क्षेत्र से बेदखल कर जल जंगल जमीन से वंचित करना सेज एलपीजी यूसीसी जैसे कानूनों से आदिवासी को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र इस पर चिंतन होगा। नई शिक्षा नीति नए श्रमिक कानून पूर्णापेक्षा मूल निवासी बहुजन आदिवासी समाज के लोगों को गुलाम बनाने का मनोवादी शासक जातिवाद षड्यंत्र इस पर भी चर्चा होगी। जातीय जनगणना शासक जातियों द्वारा ना करना और राजनीतिक अर्थात ओबीसी को अधिकार से वंचित करना इस पर भी चर्चा होगी। संविधान के अनुच्छेद 15(4)-16(4) को लागू नहीं करना अनुसूचित जाति जनजाति वर्गीकरण में क्रिमिनल लागू करना यह सोची समझी शादी से जिससे समाज में फूट डालो राजकोट की नीति इस पर भी गहन चिंतन चर्चा होगी। टीएससी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण से अधिकार वंचित करना एक षड्यंत्र टीएससी में जनसंख्या के अनुपात में सभी को 100% आरक्षण लागू करने हेतु गंभीर चर्चा और पूरे प्रदेश में किसानों के लिए MSP लागू करना C2+50% इस पर भी चर्चा रहेगी। अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान के मुताबिक हक अधिकार एवं सुरक्षा के लिए इस पर भी चर्चा होगी चिंतन होगा। बहुजन वनवासी आदिवासी महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माता रमाबाई राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता फातिमा शेख बिरसा मुंडा आश्रम का निवासी अशोक कसूरी राणा पूज्य भी सियाजीराव गायकवाड़ छत्रपति साहूजी महाराज द्वारा चलाए गए आंदोलन और इनके जीवन संघर्ष को हमारे सभी वक्तागण इसके पर चर्चा करेंगे इन पर अपनी बातों को रखेंगे और इस क्षेत्र में राजस्थान में जितने भी ST/ST/OBC समुदाय के जो लोग हैं इसमें भाग लेंगे उनके सामने ये सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे और हमारे जो अतिथिगण वक्तागण आएंगे शायद राजस्थान में संविधान दिवस के अवसर पर ये एक पहला बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। इसकी तैयारी हमने हर ब्लॉक स्तर पे जिले स्तर पर बैठक करके सभी को सूचना पहुँचा दी गई है और आसपास के जिलों से अधिक से अधिक आदिवासी दलित शोषित पीड़ित किसान वर्ग के लोग पहुंचने वाले हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है सभी को हमने न्योता भी पहुँचा दिया है और हमारा जो भी मीटिंग और बैठक वगैरह आयोजित होती है उसमें पहले भी हमने कई बार दिया था न्यूज़ भी देने के लिए तो एक दो बार हमारी न्यूज़ लगी थी तो आपसे निवेदन करता हूँ अभी 2-4 दिन और है इस कार्यक्रम में तो हम जो भी तैयारी को लेकर आपको न्यूज भिजवाए तो आप उसको छापना उसका थोड़ा प्रचार प्रसार में सहयोग देना इसी आशा और उम्मीद करते हैं। संविधान के आधार पर लोकतंत्र के आधार पर
मीडिया को एक चौथा स्तर माना गया है, तो चौथे स्तर को मानते हुए, संविधान को मानते हुए आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे।